मोटोरोला ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने पहली बार दिए थे स्मार्टफोन लोगों के हाथ में, हालांकि वो स्मार्ट नहीं थे मगर यूजेबल फोन देने वाली कंपनी पहले मोटोरोला ही थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, मेरा नाम है साद और आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला के नए स्मार्टफोन मोटो G5s के बारे में। अगर मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हो तो पहले नीचे सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि जो लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हैं उनका नाम मैं अपनी वीडियो के एंड में डालता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मोटो G5s के बारे में। मोटोरोला ने आज की दुनिया जब जहां पर एप्पल और सैमसंग की हुकूमत है स्मार्टफोन की इंडस्ट्री के अंदर, वहां पे होने लगी है मोटोरोला का रिवाइवल। मोटोरोला कोशिश कर रहे हैं किसी तरह अपनी मोटो सी पे मोटो सीरीज के जरिए वो ऐसी इनोवेशन करें कि वो एप्पल और सैमसंग को पीछे छोड़ दे। इसी दौरान में मोटो ने रिलीज किया है अपना G5s मॉडल। अब आप लोगों को मैं बताता जरूर कि मोटो G5s के अंदर आपको क्या स्पेक्स मिलेंगे और फिर मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको ये मोबाइल फोन लेना चाहिए कि नहीं। मोटो G5s के अंदर जो स्क्रीन आपको देखने को मिलती है वो है फुल HD 1080p स्क्रीन। इधर मिलती है आपको 5.2 इंच की एक बड़ी स्क्रीन जो कि है कॉर्निया ग्लास 3, और स्क्रीन जो है फुल HD है, तो मतलब कि आपको अच्छी रेजोल्यूशन की वीडियोस, गेमिंग और जो पिक्चर्स वगैरह उसमें देखने को मिल जाएगी। जो बड़ा फीचर दूसरा स्मार्टफोन के अंदर निकल कर आता है वो है कैमरा, जो कि है 16 मेगापिक्सल का और इसमें है लेंस f2.4 का, जिसे आप ले सकते हैं फुल HD वीडियोस और साथ में आप और ले सकते हैं अच्छी और क्लियर फोटोज। इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का, जिसमें आप ले सकते हैं सेल्फी। अब 5 मेगापिक्सल मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि आप तो आ रहे हैं स्टैटिक 7 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, तो मेरे ख्याल में इस पे जो है वो मोटो थोड़ा सा लैग कर गया है। अगली चीज जो निकल कर आती है स्मार्टफोन की वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 430, साथ में GPU मिल जाएगा आपको 505 का, और इसके अंदर जो है वो है 1.4 प्रोसेसर। मतलब कि स्मार्टफोन जो है अच्छा है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन लगा हुआ है, गेमिंग के लिए बेस्ट है, और GPU के अंदर इसके अंदर एंड्रीनो है जो कि सैमसंग के अंदर लगा होता है। मतलब कि ये गेमिंग या अच्छी चीज के लिए कंपेटेबल फोन है, मगर जब ये मार्केट में आएगा तब ही इसी का हमें पता लगेगा। अगली जो फीचर हमें देखने को मिलता है इसके अंदर वो है इसकी स्टोरेज। तो ये आपको मिल जाएगा 64GB के अंदर या 32GB के अंदर। 32 और 64GB का स्मार्टफोन के साथ आपको भी मिलती है रैम की ऑप्शन। अभी एक नया ट्रेंड मैंने मोबाइल फोन के अंदर देखा है, Xiaomi ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया था कि आपको या तो मिलेगी 3GB की रैम या 4GB की रैम या इवन 2GB की रैम। अब ये आपको मोटो देता है 3GB की ऑप्शन, 4GB की ऑप्शन, साथ में आपको मेमोरी की ऑप्शन भी दी जा रही है 32GB वाला भी, 64GB, मगर याद रखा जाए कि इसके अंदर भी लग सकता है माइक्रो SD कार्ड। इसके अंदर अगला जो आपको मिलता है एंड्रॉइड 7.1। अब इसके अंदर जो है हमें देखने को मिल रहा है एंड्रॉइड 7, तो अब मेरे ख्याल में एंड्रॉइड O की अपडेट जल्द मोटो G5s के अंदर हमें देखने को मिलेगी। अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूं तो ये हमें देखने को जो है इसकी प्राइस जो है वो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस मॉडल का पाकिस्तान के अंदर फिलहाल प्री ऑर्डर स्टार्ट हुआ है, तो कई जगह पे इसकी प्राइस जो है वो है 28,000, कहीं पे 30,000, कहीं पे इवन 32,000 रुपए इसकी प्राइस है। तो मैं कहूंगा कि है 25,000 से 30,000 की रेंज वाला स्मार्टफोन, और एंड में जो वर्डिक्ट है मेरा कि ये आपको स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल में जो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, जो इसके अंदर चीजें लगाई गई है वो अच्छी है, अच्छे स्मार्टफोन का फीचर इसके अंदर मौजूद है। अगर आप लेना चाहे, अगर इसकी प्राइस रेंज रखी जाती 23,000 से 25,000 की करीब, तब मैं कहूंगा कि इस मोटो ने एक किलर अपना स्मार्टफोन बनाया है, जिसके अंदर जो है लो एंड या मिडिल जो रेंज के लोग हैं उनको टारगेट किया गया मोटो ने। अगर ये 30 या 32 के करीब आता है तो ये हायर एंड पे निकल जाएगा और यहाँ पे लोग निकल जाएंगे 1+3 की तरफ या 1+3 की तरफ। तो मैं चाहूंगा अगर ये मोबाइल आता है 25-26 हज़ार का मार्केट के अंदर, तो मैं कहूंगा ये गुड बाय है और आप ये मोटो G5s ले सकते हो, अच्छा इसको यूज कर सकते हो और कोई 1 से 2 साल तो इसके अंदर आराम से चला सकते हो। अपनी वीडियो के एंड में बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगा कि 4,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। ये जो 4,000 लोगों की जो हमारी फैमिली है, हमने 0 से स्टार्ट की थी और अब 4,000 पहुंच चुके हैं। इसी तरह 4 से 5, 5 से 10, इसी तरह 15-20 और इतना भी ना कभी 1 लाख जरूर पहुंचेंगे, और इंशाल्लाह 1 मिलियन भी अगर जिंदा आया तो जरूर हिट करेंगे। आई होप आप इसी तरह ग्रो करते रहे, इसी तरह एक फैमिली की तरह वीडियो एक दूसरे के साथ टेक की नॉलेज जो है शेयर करते रहे, और नीचे आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कोई भी बात हो नीचे मुझे कमेंट कर जरूर बताएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।